दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। गाइस क्या है कि मैं नाइट ड्यूटी करके मैं आ गया हूँ और मैं फुल एनर्जी में हूँ। ये लगा लीजिए कि मैं नाइट ड्यूटी किया हूँ लेकिन फिर भी मैं फुल एनर्जी में हूँ। ये आप सभी लोगों का सपोर्ट और आशीर्वाद है। गाइस क्या है कि मैं कल रात में मैं ड्यूटी कर रहा था तो मैं एक वीडियो देख रहा था। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसी ट्रेनिंग सेंटर का, लेकिन है तो ट्रेनिंग सेंटर से ही रिलेटेड। यहाँ पे जितने भी ट्रेनिंग सेंटर हैं, सीएनसी बीएमसी एचएमसी जो भी सिखाते हैं, तो हर कोई दावा ये करता है कि भाई 100% प्लेसमेंट मिलेगी। भाई ऐसा गलतफहमी में आप लोग मत रहिएगा। कोई भी ट्रेनिंग सेंटर, चाहे ये लगा लीजिए कि यूपीएससी का तैयारी कराता हो, चाहे कुछ भी ए टू जेड जॉब की तैयारी कराता हो, तो कोई भी 100% जो जॉब की जो प्लेसमेंट है वो दे ही नहीं सकता। ये लगा लीजिए कि सिर्फ मेरे हिसाब से अपनी ओपिनियन में बता रहा हूँ कि सिर्फ ये लगा लीजिए ना कि 1% मात्र, ऐसा 1% समझ लीजिए कि है, ठीक है, 1% आपकी जॉब लगने की चांस है। मैं देखो भाई एक वर्कर हूं और मैं सीएनसी मशीन का ये लगा लीजिए कि मेरे को 12 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, मेरे को 12 साल का एक्सपीरियंस है। मैं आप सभी लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। भाई आप लोगों के साथ मैं किसी दिन, मैं चैनल पे अगर उन सर की इजाजत होगी तो मैं अपने चैनल पे लेके आऊंगा। मैं आपको रियल बता रहा हूं कि हम पहले कंपनी में जॉब करते थे, ये लगा लीजिए कि कम से कम हमारे शिफ्ट में ना 50-60 लड़के थे। अब 50-60 लड़कों का लीडर वो थे, नाम नहीं लेना चाहता हूं। भाई आप अगर यहाँ फरीदाबाद से मेरे को अगर देख रहे होंगे ना तो समझ जाएंगे, मेरे कंपनी से अगर आप देख रहे होंगे तो समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये लगा लीजिए गाइज की 60-70 लड़कों के ना वो लीडर थे। लीडर का मतलब समझते हो ना, वो पूरा नेता थे, पूरा इंचार्ज थे, एक शिफ्ट का, नाइट शिफ्ट का इंचार्ज थे। और वो ये लगा लीजिए कि करीब 4 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 4 साल पहले कम से कम भाई वो 40,000 रुपया ना आराम से उठा रहे थे, कोई टेंशन नहीं था। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ये लगा लीजिए कि 4-व्हीलर से आते थे, जॉब करते थे कंपनी में और सुबह चले जाते थे। मैं उनके यहाँ रूम पे भी गया हूँ, कोई टेंशन नहीं था। लेकिन भाई ये लगा लीजिए ना कि आज के टाइम पे ना वो सीएनसी की जॉब जो छोड़कर ना वो पता नहीं कहाँ है, मैंने एक दिन बात किया था तो वो कुछ और कर रहे हैं। अब ये लगा लो गाइस कि इस वीडियोज को बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि देखो भाई जो नया जो इंडस्ट्री में जो युवा होता है ना उससे सीएनसी सीखने का ना बहुत चेष्टा हो रही है। कुछ लोग तो मेरे ब्लॉग को देखकर सीखना चाहते हैं, कुछ लोग किसी और को देखकर सीखना चाहते हैं, कुछ लोग ट्रेनिंग सेंटर में कहते हैं कि भैया ऐसा है कि आप 20 दिन ट्रेनिंग सेंटर लीजिए, 100% आपको जॉब लगवा देंगे और 25,000 से 27,000 ऐसी सैलरी बताते हैं, ठीक है। तो भाई ये गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना आप लोग। हम बात कर रहे हैं आज, थोड़ा सा बात कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखो भाई ये एक तरीका से ना आप लोगों के साथ स्कैम हो रहा है, बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। और मुझे पता है कि मेरी इस वीडियोज को बनाने से भाई 2-4 लोगों के लाइफ में ना अगर थोड़ा सा परिवर्तन होगा तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि चलो यार भाई मेरी बात माने। आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ। होता क्या है कि अब मान के चलो कि मैं एक सीएनसी सिखाता हूं, ऑपरेटर आपको मतलब मैंने सिखा दिया, ठीक है, आप ऑपरेटर बन गए। भाई ये 20 दिन का ना आपकी ट्रेनिंग सेंटर है, ठीक है, मतलब 20 डेज की ट्रेनिंग सेंटर है। मैंने आपको सिखाने के लिए 20 दिन का जो फीस है, मान के चलिए कि मैं 5,000 रुपया आपसे लिया, 5,000 रुपया आपसे लिया, 20 दिन की ट्रेनिंग सेंटर है। अब ये लगा लीजिए कि गाइस आप समझिए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। मैंने आपको 20 दिन में क्या बताया कि भाई मशीन के अंदर ऑफसेट कैसे दिया जाता है, वर्नियर माइक्रोमीटर, एयर गेज, बोर गेज का मैंने बता दिया। किसी के पास तो भाई बोर गेज एयर गेज होगा ही नहीं यार, सच्ची बता रहा हूं। जो ट्रेनिंग सेंटर जो चलाते हैं, मुझे पता है कि इस वीडियो को अगर ट्रेनिंग सेंटर वाले देखेंगे तो कहेंगे यार ये कहां से ससुरा एक आ गया, कौन आ गया है ऐसे भड़काने वाला। क्योंकि देखो भाई मैं भड़का नहीं रहा हूँ, जो रियलिटी है वही मैं बता रहा हूँ। मेरे पास ऐसे लड़कों का ना जो मैसेज है वो आता रहता है। अब ये लगा लीजिए कि आपसे 5,000 रुपया ले लिया गया। अब ट्रेनिंग सेंटर वाले क्या करते हैं कि मान के चलिए कि 5,000 रुपये ये 10 लड़कों से ले लिया, ठीक है, ये 5,000 10 लड़कों से ले लिया,
तो अब ये लगा लीजिए कि 5,50,000 हो गया, ठीक है। अब इस ये ट्रेनिंग सेंटर वाला तो भाई 50,000 तो कमा लिया, ठीक है, 20 दिन के अंदर में भाई 50,000 कमा लिया। इनकी सेटिंग होती है, जैसे इनका ये कहते हैं ना कि 100% जॉब प्लेसमेंट कर देंगे। तो देखो भाई क्या है कि हमारे, मान के चलिए कि मैं एक ट्रेनिंग सेंटर वाला हूं और मैं आपको ऑपरेटर बना दिया, मेरे मौसा की तो कंपनी है नहीं कि भाई मौसा को कह दूंगा तो मौसा रख लेंगे। कितना को रखवाओगे, 5 को रखवाओगे, 10 को रखवाओगे, 15 को रखवाओगे, इससे ज्यादा नहीं रखवाओगे ना भाई। तुम्हारे ट्रेनिंग सेंटर में ना कम से कम ये लगा लीजिए कि 100 लड़के से ज्यादा महीने में आ रहे हैं, ठीक है। एक को लगवा दिया, दो को लगवा दिया, भाई एक बार बताओ कि मेरे को 12 साल का एक्सपीरियंस है और मेरे जैसे भाई कम से कम मार्केट में मतलब 12 घूम रहे हैं, और भाई कंपनी जिसको एक्सपीरियंस रहेगा, जिसको नॉलेज रहेगा, जिसको काम करने का तरीका होगा, तो भाई उसको कंपनी लेगी ना, तुमको थोड़ी लेगी। तुम 20 दिन से दिखा दिए कॉपी लेके कि मैं ट्रेनिंग सेंटर से आया हूँ, कौन लेगा भाई। भाई मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, हमारे एक मित्र हमारे साथ प्रेजेंट टाइम में रह रहे होंगे, वो भैया अगर इस वीडियो को देखेंगे तो खुश हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे, क्योंकि मैं उनको अपने साथ रखा हूं इस टाइम। और ये लगा लीजिए कि वो कहीं गए थे कोचिंग सेंटर में, कोचिंग करके आए, ठीक है। वो हमने उनसे पूछा कि कितने आपसे लिया गया था, तो वो कह रहे थे कि सोनू भैया ऐसा है कि हमसे 2,500 रुपया लिया गया था। अब 2,500 रुपया लिया गया, अब भाई ये लगा लो कि माइक्रोमीटर तक नहीं आता था भाई। अगर उस भाई की मेरे उनकी जो क्या बोलते हैं कि इजाजत अगर होगी ना, तो मैं उनके साथ मैं ब्लॉग किसी दिन अच्छे से बना लूंगा, मेरे साथ है, रूम में है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मैं बना लूंगा। और उन भाई को मैंने ये लगा लीजिए कि बताया, माइक्रोमीटर थोड़ा बताया, ऑफसेट थोड़ा बताया, और उनको मैंने किसी कंपनी में लगवा दिया। उनकी सैलरी कितना मिल रही है मैं आपको नहीं बता सकता, ठीक है, ये अपनी जो भी चीजें है। अब गाइस क्या है कि जो प्लेसमेंट वाले हैं ना, तो कुछ तो प्लेसमेंट वाले, जो कुछ तो कोचिंग सेंटर वाले हैं ना, तो भाई इनका क्या है ना कि आपको 10 दिन के लिए ना बोल दिया जाएगा, कह देंगे कि ऐसा है कि हम आपको एक कंपनी में भेज रहे हैं। अब ये कंपनी में तो इंटरव्यू तो करा देंगे, अब कंपनी वाले क्या करेंगे गाइस कि आपसे 3-4 दिन ड्यूटी कराएंगे, ठीक है। अब तो पैसा ले लिया तुमसे, पैसा ले लिया, 20 दिन का ट्रेनिंग दे दिया, 5,000 रुपये हो गया भाई, एक दिन करा दिया, कहेगा कि भाई तुम्हारे अंदर काम करने का तरीका नहीं। कितने भाई तुमने एग्रीमेंट थोड़ी कराया है कि हमें तो भाई जॉब तुम दिलवाते रहो, ऐसा नहीं होता है भाई। एक दो बार भेज दिया फिर तुम्हारा हाल चाल भी नहीं पूछेगा कि कौन, हाँ तुम्हारे साथ वीडियो जरूर बनाएगा जिस टाइम मतलब ट्रेनिंग वाले होंगे, कहेंगे कि देखो भैया हमारे यहाँ ऐसे ऐसे सीख, ऐसे सब करते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि गाइस की मैं अपने टॉपिक पे आता हूं कि कोई भी कंपनी होती है, आपको ये लगा लीजिए कि जिसको एक्सपीरियंस होगा 3 साल का 4 साल का, तो भाई सीएनसी ऑपरेटर को जो सैलरी है ना, ये लगा लीजिए कि मैं आपको बता रहा हूं, इसको डिलीट कर देता हूं, जो नया जो लड़का होगा, ठीक है, नया लड़का होगा जिसको ये लगा लीजिए कि 1-2 साल का एक्सपीरियंस होगा ना, उसको जाके कंपनी ना 12,000 12,500 बड़ी मुश्किल से देती है, ठीक है। जो नया एक डेढ़ साल का होगा, 1.5 साल का, तो ठीक है सॉरी। और ये लगा दीजिए गाइस कि जो 5 साल 6 साल का एक्सपीरियंस होता है ना, उसकी बड़ी मुश्किल से इस टाइम मार्केट में ना 14,000 के प्लस सैलरी लग रही है, ठीक है। और जो 7 साल 8 साल का एक्सपीरियंस है उसकी 15,500। भाई एक एक माइक्रोन में पार्ट को कंट्रोल करना हो जाता है, इस चीज को याद रखिएगा, दिमाग का पूरा दही बन जाता है। और कुछ जो लड़के हैं ना भाई, किसी को देख करना कसम से भाई कुछ मत करो यार, अपने लाइफ में ऐसा नहीं है कि सीएनसी ही सीखना है, सरकारी नौकरी ही करना है भाई, ठेला लगा लो यार। क्या करते हैं हम आपको अपनी भाषा में बताते हैं कि मैं कंपनी में काम करता हूँ, ठीक है, मैं अपने कंपनी में काम करता हूँ भाई, 12 घंटा मशीन पे ना पूरा खड़ा रहता हूँ, पैरों में सूजन हो जाता है, तब जाके किसी तरह रात में 700 रुपया मेरा बनता है, ठीक है। मेरा 700 रुपया बड़ी मुश्किल से बनता है 12 घंटे के करने के बाद। और ये लगा लीजिए कि कभी कभी कंपनी 8 घंटा चलने लगती है, तो ये लगा लो कुल मिला जुला के भाई ना 18-20 पड़ जाता है, इससे ज्यादा नहीं पड़ता है। लेकिन वही जहां पे मैं भोजन करता हूं ना, एक जो ठेला वाला है, ये लगा लीजिए कि हमसे ज्यादा कमा लेता है।
अब इज्जत वाली बात मत देखो कि भाई हमारी इसमें तो इज्जत ही नहीं रहेगी। भाई कौन सी तुम्हारी इसमें इज्जत है, मैं देखो भड़का नहीं रहा हूं यार, जो रियल है वो चीजें। हाँ एक चीज मैं आप लोगों को और नहीं बताया भाई, ये लगा लो कि मैं उस कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि उस कंपनी में बहुत सारे मेरे मित्र काम करते हैं, मैंने भी काम किया है। अब अच्छे से आपको बताते हैं, इस वीडियो को छोड़कर जाइएगा मत अगर आप सीएनसी मशीन सीखना चाहते हो और पैसा कमाना चाहते हो तो। अब गाइस क्या है कि मैं कुछ साल पहले, ये लगा लीजिए कि चार साल पहले ये लगा लीजिए कि मैं एक कंपनी में लगा था, फरीदाबाद के अंदर ही कंपनी है, उस कंपनी का मैं नाम नहीं लेने वाला हूं। उस कंपनी में मेरी जो सैलरी उस टाइम लगी थी ना भाई 18,000 से प्लस लगी थी, ठीक है, 18,000 से मेरी प्लस सैलरी लगी थी 8 घंटे की, ये लगा लीजिए 4 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं। मैंने उस टाइम उस कंपनी में लगा लीजिए कि करीब 10 दिन ड्यूटी किया, 10 दिन ड्यूटी मैंने किया। एक आदमी होता है, ये लगा लीजिए कि मेरे पिता का एजेंट का होता है वो आदमी, सिर्फ क्या है कि जो मेटेरियल जो बनाया होता है ना, जैसे ये मान के चलिए कि ये बीन है और इसके अंदर ये सब मेटेरियल पड़ा है, ठीक है, इस मेटेरियल के अंदर ये लगा लीजिए कि सिर्फ टैग नहीं लगाया हुआ था, ठीक है, सिर्फ टैग नहीं लगाया हुआ था कि जितना माल बना है उसका टैग लगाते हैं और कब बना है ये सब लगाते हैं, सिर्फ वो आदमी टैग नहीं लगाया था ना भाई, उसको ये लगा लीजिए ना कि एक आदमी आया ना, उसका ये पीछे से ये पकड़ा, ठीक है, और उसको पकड़ के बोला कि चल चल बाहर चल। पता है वो आदमी भाई 10 साल से उसी कंपनी में काम करता है। अब भाई मेरा देख कर ना कसम से खून खौल गया, मैं कहा कि भाई मेरे बस की काम करना नहीं है, ठीक है। मैं लंच के टाइम निकला और जो मेरे से लगवाया था मैंने उसको फोन किया, भाई कहा मैं मेरे बस की नहीं है भाई, मैं अपने लाइफ में भाई सीएनसी मशीने लगा लीजिए कि मैं करीब 12 साल से मैं सीएनसी ही चलाया हूँ, मैं हेल्परी वेल्परी बहुत कम मतलब किया ही नहीं हुआ, शुरू में आया था तो एक दो कंपनियों में मैंने 1-1.5 महीने किया था, बाकी मैं सीएनसी पे ही लग गया था, मैं करने लगा था। भाई मैं जहां भी काम किया हूं, मैं जहां भी जिस कंपनी में काम किया हूं भाई, मेरे को बहुत इज्जत मिला है, मेरे को आज तक कोई कंपनी ने जॉब से नहीं निकाला है, और भाई वहां अभी भी मेरी इच्छा होती है तो मैं उस कंपनी में जाके काम कर लेता हूं और मस्त लगता है, बशर्ते भाई मेरे को पैसा थोड़ा कम मिलता है, ठीक है। भाई ये लगा लीजिए कि मैं 22,000, 25,000, 30,000 के चक्कर में नहीं पड़ता हूं, जो 22,000, 30,000, 50,000 के चक्कर में जो पड़ता है ना भाई, उसकी इज्जत कैसी होती है मुझे पता है, ठीक है। तो कुछ ऐसी कंपनियां यहाँ पे फरीदाबाद के अंदर में है जो बिल्कुल भी लड़कों का वर्करों का इज्जत नहीं करती है, पैसा आपकी सैलरी जो है वो लग जाएगी अच्छी खासी, लेकिन वहां के जो सुपरवाइजर होते हैं, जो मैनेजर होते हैं, हमेशा वो डंडा करके रखते हैं। तो भाई ये लगा लीजिए कि जो प्लेसमेंट वाला है ना, जो ट्रेनिंग सेंटर वाला है ना, वो अगर कहता है आपको कि मैं 100% आपको प्लेसमेंट दूंगा, तो उससे पूछना कितने बार तू देगा भाई, यही पूछना उससे कितने बार तू देगा भाई, गारंटी दे रहा है ये पूछना, फिर देखना वो क्या कहेगा, कहेगा कि भाई तुम मतलब नहीं, तुम एडमिशन ही मत लो। तो भाई ये सब स्कैम चल रहा है, बहुत बड़े लेवल पे स्कैम चल रहा है। मेरे से भी बहुत सारे लड़के जो सीएनसी ट्रेनिंग सीखना चाहते हैं, तो देखो भाई मैं साफ साफ मैं बताऊं, मेरे पास मशीन अपनी नहीं है, मैंने एक दोस्त से बात किया हुआ है, वो दोस्त तैयार हो जाएगा शुरू में। भाई मैं ज्यादा सबकी बात नहीं कर रहा हूँ भाई, कुछ ऐसी जान पहचान में कंपनियां हैं जहां पे मैं लगवा दूंगा, तो स्टार्टिंग में लगा लीजिए कि 12,000 के आसपास मेरी सैलरी होगी भाई, स्टार्टिंग में 12,000 सैलरी वर्कशॉप कंपनियां में, क्योंकि मैं 12-13 साल से इस इंडस्ट्री में हूं, तो भाई मेरे को यहाँ पे कम से कम 50-60-70 कंपनियां ऐसी हैं ना जिनको मैं जानता हूँ, और मेरे पास ना मेरे डायरी में कॉन्टेक्ट नंबर है, मैं बात कर करके मैं लगवा दूंगा। खैर मैं ये टेंशन लेना ही नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरा भाई जो ना, ये नहीं है कि मैं आपको सीएनसी टर्निंग मशीन ही सिखाने वाला हूँ, मेरा भाई टारगेट है टेक्स रिलेटेड जो वीडियोज है वो मैं बनाऊ। बाकी चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे भाई कसम से इतना मतलब गुस्सा आया था ना, मैं रात में वीडियोज देखा था, तो मुझे भाई लगा कि इस वीडियोज को बनाया जाए, कुछ भाई लोग ना इनके
चालबाज में ना आ जाते हैं, तो भाई ऐसे लोगों के चालबाज में बिल्कुल नहीं फंसना है। आप अपना मेहनत कीजिए, जहां मन करे वहां काम कीजिए भाई, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। ऐसा मत सोचिए कि हम सीएनसी मशीन सीख लेंगे तो महीने का 30,000 कमाएंगे, 50,000 कमाएंगे, ये सब चक्कर में पड़ो मत। क्योंकि आप ना, कोई कोई ट्रेनिंग सेंटर वाला है भाई, सीधा 20,000 रुपया ले रहा है, ठीक है, 20,000 रुपये ले रहा है, और उसी टाइम ऑटो कैड भी बता दे रहा है, प्रोग्रामर भी बता दे रहा है, सब कुछ बता दे रहा है, जब जॉब जा रहा है ना मशीन पे लगा दे रहे हैं, तो भाई कुछ आता ही नहीं है भाई। इसीलिए तो कह रहा हूँ, तुम्हारे मौसा की कंपनी थोड़ी नहीं है, मामा की कंपनी थोड़ी नहीं है कि तुमको भेज देगा तो रख लेगा भाई। तुम्हारे जैसे ना मार्केट में हजारों लोग घूम रहे हैं रोड पे, समझे ना। तो भाई इस चक्कर में बिल्कुल मत रहना। जिसको नॉलेज रहेगी, जिसको एक्सपीरियंस रहेगा, जो बंदा काम कर लेगा उसको कंपनी रखेगी। अब बाकी गलती से रख भी लिया ना, तो 20 दिन के अंदर में कहेगी भैया तू निकल बाहर। तो कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट करके। और आज का मैं ना भाई इस वीडियो को बनाना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि मुझे लगा कि भाई लोगों को थोड़ा सा अपना बता देते हैं। क्योंकि देखो मैं ड्यूटी करके आया हूँ, और मैं आया नहाया और तुरंत मैं वीडियो बना दिया। मैं सोचा कि भाई लोगों को आज बताते हैं कि आखिर ये जो ट्रेनिंग सेंटर वाले हैं करते क्या है। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।